أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. आज मैं अपने इस कॉटन वाइट ड्रेस की जिसकी मैंने स्टिच की है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल टेलर नहीं हूँ लेकिन अपने ड्रेस खुद स्टिच करती हूँ, चाहे रेशमी हो चाहे लाइनिंग वाले हों, जो भी हो, एक पॉजिटिव एक्टिविटी है. क्योंकि माशाल्लाह से मेरे 3 बेटे हैं और कोई बेटी नहीं है, और मैं घर में अकेली खातून हूँ लेडीज़ के एतबार से, तो बस फिर पॉजिटिव एक्टिविटी का होना ज़रूरी है. कुकिंग और क्लीनिंग के अलावा अपनी मनपसंद एक्टिविटी का होना मैं समझती हूँ कि हर बंदे बंदी के लिए होना ज़रूरी है. लेकिन एक्टिविटी जो हो पॉजिटिव हो. और ये है जी वाइट ड्रेस. मुझे अपने कल्चर से बहुत प्यार है, अपने पाकिस्तान से, अपने मुल्क से बहुत प्यार है, अपनी मिट्टी से बहुत प्यार है, और ख़ासूसन सिंध की जो एम्ब्रॉयडरी है मुझे बहुत अट्रैक्ट अपने मुल्क की करती है. तो ये सिंधी कढ़ाई है, इस पर मैंने जो है लेस लगा ली है, जो स्लीव्स पर आपको शो हो रही है वो लेस लगाई है, और ये वन साइड पर बॉर्डर बना हुआ है. ये मेरा ख़्याल हुरमुच की कढ़ाई कहलाएगी, जो बीच में ये जो है इसके ब्लॉक टाइप की बूटी बनी है, कि 4 बूटियां हैं और फिर 1 बूटी है. बहुत प्यारा पहन के ये ड्रेस लग रहा है. ये मैं कुरान खानी में ड्रेस पहनूंगी. उसके साथ ही मैं आपसे जो है अनबॉक्सिंग करूंगी. ये मैंने वेडिंग के लिए जो है वेडिंग ड्रेस, अब शादियां आएंगी, मौसम चेंज हो रहा है, तो मैंने ये वेडिंग स्लीपर लिए हैं खुले, क्योंकि जो है मेरे पाँव में और जिसके पाँव में भी स्वाइलिंग होती हो तो उन्हें चाहिए इस तरह ओपन आगे से हो और इस तरह कंफर्ट हो और ऐसी हील हो, यानी मिली हुई हील हो 1 इंच की, वो एकदम से फ्लैट ना पहने. जिनके पाँव में स्वाइलिंग होती हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगी कि वो इस तरह के स्लीपर टाइप के शूज़ लें. ये हैं वेज के हैं, बाटा वालों से लिए हैं, कंफर्ट है, रीज़नेबल प्राइस है. तो जिनके पाँव में भी स्वेलिंग हो या कंफर्ट लेवल पर वो पहनना चाहते हों, उन्हें चाहिए कि वो इस तरह खुले मुंह के शूज़ लें और पहने, एंजॉय करें. ये वेडिंग के लिए लिए हैं. ये मेरे 3-4 ड्रेस पर मैचिंग हो जाएगी. रीज़नेबल प्राइस हैं लेकिन कंफर्ट है. बाटा वालों के इधर से लिए हैं. बाटा हमारे पाकिस्तान की, मेरा पता नहीं बाहर की कंपनी है या इधर की, बहरहाल अच्छी बाटा सर्विस कंपनियां अच्छी हैं. उनके ये शूज़ उधर की शॉप से लिए हैं. और यही है कि बस. और ये सूट है बहुत प्यारा, ये मैं कुरान खानी में पहनूंगी. और ये मैंने 3 डेज़ में थोड़ा थोड़ा करके सिया, लेकिन कंप्लीट हो ही गया अल्लाह की मेहरबानी से. बस यही है, हर एक को चाहिए कि एक्स्ट्रा जिनसे ऐसी एक्टिविटीज़ ज़रूर अपनाएं जिससे खुश रहें, जिससे ज़िंदगी का एहसास हो. इस तरह आप ख़ुद भी सज जाएंगे और आपकी पॉजिटिव एक्टिविटी भी होगी, दूसरे बचत भी होगी, आप ख़ुद कोई भी काम करेंगे, ज़ाहिर है फिर आपकी मनी भी बचेगी. और ये स्लीपर इस तरह के, जिनके पाँव में भी स्वाइलिंग होती है या पैदल चलना होता है, वो ये कंफर्ट जो है स्लीपर टाइप के शूज़ ज़रूर ख़रीदें. इसमें थोड़ी सी देखें जी शाइनिंग भी है. तो ये वेडिंग में आपके जो बेच स्किन सूट हो, बेच कलर का सूट हो, स्किन हो गोल्डन हो, उस पर आप कैरी कर सकते हैं.
इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आज की यूनिक बात यही है, गोल्डन वर्ड्स यही है कि कोई ना कोई अपनी रेंज में हर हाल में खुश रहें और पॉजिटिव एक्टिविटी बनाएं। जब तबीयत ठीक हो थोड़ी सी, तो कुछ ना कुछ करें जिससे ज़िंदगी का एहसास हो कि आप ज़िंदा हैं, खुश हैं। इससे और दूसरों को भी इससे मोटिवेशनल लेसन मिलेगा कि वो भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहें, और जहाँ तक हो सकें किसी की दिल आज़ारी ना करें। अल्लाह हाफिज़।